उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी के मंदिर और मूर्तियां मिलने के बाद अब खुदाई के दौरान नर कंकाल मिले हैं। इसे यहां काम कर रहे मजदूर सहमे हुए हैं। मंदिर के विस्तारीकरण के लिए यहां भोपाल पुरातत्व विभाग की देखरेख में खुदाई का काम चल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई नई बात नहीं है, फिर भी इसकी जाँच करानी चाहिए। संभवतः ये मुगल काल के भी हो सकते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि पहले इसके आगे के हिस्से में साधु संत रहते थे, संभावना है कि उनकी भी हड्डियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसमें दो बात हो सकती है कि जिस तरीके से यहाँ संत महंत आचार्य जो यहाँ गुरुकुल चलाते थे, यदि उन लोगों की मृत्यु होती थी जो आचार्य होते थे, तो उनको इसकी समाधि बनाई जाती थी, दफनाया नहीं जाता था, उनको जलाया नहीं जाता था, तो उनकी समाधि हो सकती है, समाधि का ही नरकाल कंकाल हो सकता है। जांच का एक विषय है, वो अपना पुरातत्व करेगा जो भी करे, लेकिन हमारी दृष्टि से, पुजारी होने के नाते दृष्टि से, ये उसी या आचार्य का ही नरकंकाल हो सकता है।